सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ में काफी अनियमितताएं मिली। आज प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज की टीम मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची तो देखा कि वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वहां पर मौजूद डॉक्टर धर्मराज जी ने क्या बताया इस वीडियो में सुन सकते हैं। जब प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज की टीम चिकित्सा अधीक्षक से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंची तो देखा कि कुर्सी खाली है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेखर वैश्य गायब है। आखिर समय 11:30 बजे हो रहा था। चिकित्सा अधीक्षक कुर्सी में ना बैठकर कहां गए थे, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। ऐसे लापरवाह चिकित्सा अधीक्षक पर क्या कार्रवाई होती है, वहां पर मौजूद मरीजों से जानकारी करना चाहा तो जानकारी देने से मना किया। वह वीडियो में नहीं दिखा सकते, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र मऊ में काफ़ी कमी पाई गई है जो कभी भी जांच की जा सकती है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, जो कि सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है। यहां पर सरकार द्वारा योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। यहां पर हर जगह आप देख सकते हैं गाड़ी इधर उधर खड़ी हुई है। यहां पर गाड़ी रखने के लिए अलग से पार्किंग नहीं है, वह आप इसमें देख सकते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस टीम में मौजूद रहे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, रिपोर्टर अतुल त्रिपाठी, एरिया रिपोर्टर बाल मुकुंद साहू, हरदी कला रिपोर्टर विकास मिश्रा, थाना बढ़कर रिपोर्टर इम्तियाज खान, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। जो सरकार की तरफ से जो योजना दी जाती है और उसका लाभ नहीं मिलता है लोगों को, और जो बेटी लेटर है वो भी कम, क्या सही है बात? सर यहाँ पर वेंटिलेटर की जो व्यवस्थाएं देखी हमने, हाँ। वो वेंटिलेटर यहाँ पर अनुपस्थित है। वेंटिलेटर एक टर्शियरी सेकेंडरी सेंटर की वो है। अच्छा, क्योंकि एक CSC और PSC है। अच्छा, यहाँ पर वेंटिलेटर ना तो ऑपरेट करने वाला है ना तो वेंटिलेटर है, ये प्राइमरी सेंटर पर नहीं CSC बनाया जाता है। जैसे कि CGS मरीज ऊपर जो लेबर्स रूम है, हाँ। वहाँ पर जो है अवैध तरीके से पैसा लिया जा रहा है, जो वहाँ के कर्मचारी लगे हुए हैं, तो जैसे कि लड़का हुआ या लड़की हुई, तो उसमें से मतलब कहें कि आप मुझे 500 दें, 1000 दें, ये गलत है। पेशेंट को जब भी यहाँ डिलीवरी होती है PPS से रोकने के लिए हम उसको 48 घंटे रोकते हैं। ये तो पैसा ऐसा वाला मामला आ रहा है, ये सर क्या सही है गलत है? हम बता रहे हैं PPS से रोकने के लिए उसको 48 घंटे तक रोका जाता है। पेशेंट ये चाहता है जैसे डिलीवरी हुई है वो तुरंत घर जाना चाहता है, और ऐसी दशा में जिम्मेदारी यहाँ स्टाफ की होती है, तो कोई ना कोई ब्लेम लगा ही देता। अगर कोई कहता है कि हाँ इन्होंने लिया है तो उसको बताया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति हो। क्या नाम है सर आपको? डॉक्टर धर्मराज। डॉक्टर धर्मराज, सीनियर डॉक्टर आप यहीं पर है? सीनियर तो उधर है, MRI से जो है डॉक्टर शेखर। सर जो CGS मरीजों के लिए जो सरकार द्वारा मुहिम चलाई जाती है, हाँ। खाद्य पदार्थ जैसे कि, हाँ। चाय, फल, भोजन, हाँ। ये सब वहाँ पर देखा हमने, हाँ। क्योंकि मैं भी एक मरीज लेकर आया था, हाँ। तो वहाँ पर जो है पहली बात तो रात में लाइट हाँ। लाइट कट जाती है, हाँ। और पानी की काफ़ी समस्याएं, हाँ। ठीक, हाँ। तो ये है कि उन्होंने बताया जो लेबर्स हैं CGS मरीज हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती। नहीं, ऐसा गलत है। पानी की व्यवस्था है, देखिए अब 24 आवर तो पानी चलता नहीं रहेगा, जब भी जरूरत होती है वहाँ पे पंप है, तुरंत चलाया जाता है, पानी की आवश्यकता है तो चलता है। अब ये आपकी जो खाने वाली व्यवस्था है, खाना सुबह शाम आता है, दोनों टाइम आता है। चाय कितने टाइम दिया जाता है? चाय की व्यवस्था तो सुबह शाम में दी जाती है, दोपहर में चाय कोई व्यवस्था नहीं। चलिए ठीक सर, धन्यवाद। ठीक, आप देख सकते हैं, अब मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ में आया हुआ हूँ। यहाँ पर काफ़ी समस्या है, लेकिन डॉक्टरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समस्या को नकारा है। कोई भाई देने को तैयार नहीं है। गाड़ियों को रखने के लिए जगह तक नहीं है, जल्दी से गाड़ियाँ रोड पे ऐसे खड़ी हैं, कहीं कहीं खड़ी है, कहीं कहीं खड़ी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर धर्मराज द्वारा ये बताया गया कि इलाज अच्छा हो रहा है, लेकिन कोई भी बाइट देने को तैयार नहीं हुआ। मरीज इतने आए जिस कारण मैं अपने चैनल के माध्यम से मरीज की बाइट नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या कमी है, क्या सही है, ऐसा जांच के बाद पता चलेगा। मैडम ने जांच के लिए मना कर दिया।
सर्च ने भर देने से किया इंकार। प्रयाग न्यूज से मऊ ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट।